ये देख भाई, ये मुर्गी कब से मेरे पीछे घूम रही है पानी के चक्कर में। जैसे ही मैं ऊपर आया, लेकिन मैंने इसको पानी नहीं दिया, क्योंकि यार पहले खा ले थोड़ा सा ना, उसके बाद पानी देना थोड़ा बेहतर रहता है। डायरेक्ट पानी खाली मैदे पे जाके लगता है तो वो ठीक नहीं रहता है। अभी ये थोड़ा देखें, अभी जाएगी वहाँ कुंडी है, वहाँ पर इसमें गमला जैसा है, इसमें मैंने दाना डाला हुआ होता है, इनको पता है। माशाल्लाह वहाँ जाके खा रही है अपना दाना। अब दाना खा लेगी, थोड़ा सा इसको फिर मैं पानी दूंगा। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो देख सकते हैं आप लोग भाई, मिनी जू पे अपने आ गया हूँ अंदर। मुर्गा मेरे जो है, मुर्गा अजाने दे रहे हैं माशाल्लाह से। बाहर मैं अपना काम करूँगा इनका, अपने मिनी जू के बर्ड्स का जो है दाना पानी करूँगा इंशाल्लाह। तो मिलता हूँ भाई अब आपसे दाना पानी करने के बाद। तो ये फिर आ गए यहाँ पे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह डेली व्लॉग्स आते रहेंगे। और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर मस्ट करें, ताकि आप लोगों को डेली व्लॉग डेली देखने को मिलते रहें और नोटिफिकेशन आपके पास फर्स्ट टाइम पर पहुंच जाया करें। तो इंशाल्लाह दाना पानी करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बस दाना तो इनका अभी चेंज कर दिया, पानी चेंज करना बाकी है। तो मुझे लग रहा है कि यार मिनी जू को आज थोड़ा साफ करना चाहिए अपने मिनी जू को। तो इंशाल्लाह अभी सफाई करूँगा मिनी जू की। तो अभी सफाई करने लगा हूँ, झाड़ू वगैरह पर यहाँ से तो मैंने लगा दी, देख सकते सेट हो गया, वो झाड़ू पड़ा हुआ नीचे। तो अभी इंशाल्लाह मिनी जू की सफाई करेंगे आज, और आज अपना मिनी जू एकदम चमकने लगे। देख सकते हैं व्यूअर्स, यहाँ पर स्पेयर की दोबारा से थर्ड टाइम मेटिंग स्टार्ट हो चुकी है। नीचे इसका बच्चा भी निकला हुआ है, और अभी देख सकते हैं आप लोग भाई, मिनी जू पे जो है सफाई सफाई का काम हो गया मिनी जू का, ठीक है माशाल्लाह से। और अभी देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह दिख रहा है अपना मिनी जू, देखें ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। टिन की ट्रेस भी साफ़ कर दी है मैंने सबकी, देख सकते हैं आप लोग, सबकी ट्रेस भी साफ़ है। तो माशाल्लाह बस अब जो है दाना दोबारा छंटने लगा है। यहाँ पे कॉलोनी का निकाला है मैंने, ये कॉलोनी का आगे रबड़ हो रही है। दाना यहाँ पे छटेगा तो भाई दोबारा से दाना हो जाएगा। तो ये तो चलता ही रहता है वक्त के साथ, क्योंकि अभी मुर्गियों को भी छोड़ना बेचारी हूँ, वो भी तो अपना दाना वगैरह खाएंगी, उनका भी तो पेट है बेचारी हैं, वो भी तो खाएंगी। तो अभी दाना छाँटता हूँ और उसके बाद सिर्फ अब पानी डालना है इनका, बाकी रह गया देख सकते हैं बोतलें यहाँ पे पड़ी हैं पानी की। तो इंशाल्लाह पानी डाल के नीचे चला जाऊँगा और फिर खाना वगैरह खा के फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो भाई तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे, 12 बजे स्टार्ट हुआ था, 2 बजे तक फारिग हुआ सफाई करके। तो ये 2 बजे के बाद की वीडियो है, 2 घंटे लग गए मुझे सफाई में। तो टाइम लगता है, कोई इतनी वो बात नहीं है, मेहनत करेंगे ना इंशाल्लाह, अल्लाह फल इंशाल्लाह ज़रूर देगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सोलो बंदा हूँ भाई अकेला। तो जिस तरह भी हो सकता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो बने। तो बस मैंने कोशिश की थी कि किसी एंगल पर मोबाइल रख दूँ यार अपना, वहाँ पर मीटिंग अभी तक चालू ही है, लेकिन कुछ जगह मिली नहीं यार मुझे रखने के लिए, वरना सफाई करने की भी वीडियो बनाता तो मैं स्पीड बढ़ा के इंशाल्लाह वो भी ऐड कर देता। लेकिन खैर इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर पसंद कर ही रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह पानी वगैरह डालता हूँ उसके बाद आप लोगों से। 1 hour later जी। तो भाई व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह भाई इन सब का अब जाके काम ख़त्म हुआ है। तकरीबन इस टाइम पर फिक्स 3 बज रहे हैं, बिल्कुल फिक्स 3 बजे जाके भाई मैं अभी अभी फारिग हुआ। और इन सबको माशाल्लाह जैसे भुट्टे भी डाल दिए, ठीक है पेयर आ गए खाने के लिए, भी देख सकते हैं आप लोग माशाल्लाह से। गोटे लोग को, बजरी को, जो बच्चा उसको मैंने दाने निकाल के डाल दिए, ये वाले को, और डब को भी दाने निकाल के कटोरी में डाल दिए, मतलब सबको डाले, देखें सब खा रहे हैं यहाँ पे। ये भी नीचे उतरा है खा रहे हैं माशाल्लाह से। यहाँ पर भी इस पेयर की फीडिंग चल रही है, अभी हल्का सा जो है मेट करने की भी कोशिश की है मेल ने। और माशाल्लाह अंदर का भी दिखाता हूँ आप लोगों को, वो देखें भाई अंदर भी सबको डाल दिए, ठीक है कॉकटेल को भी, बजरी को भी, सबको माशाल्लाह दाना पानी सबको हो गया है। और अब जाके भाई फारिग हों, तो भाई आसान काम तो कुछ भी नहीं होता, मेहनत हर काम में लगती है और मेहनत करनी ही पड़ती है, चाहे कुछ भी हो जाए। माशाल्लाह देखें भाई
सही है सबको अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और ये मुर्गी छोड़ दी, अभी अपना खाती पीती रहेगी वहाँ पर। इसमें दाना मैंने डाल दिया, ठीक है। मैंने बोला यार एक दिन के लिए तो मिनीजू थोड़ा साफ लगे, बाकी यहाँ पर हल्का सा जो छांट दिया था फिर मेरे को याद आया और उसमें डाल देता हूँ एक दिन के लिए, तो कम से कम ये बिल्कुल साफ़ सुथरा लगे। तो कोई बात नहीं यार, अपना शौक है, इंशाल्लाह हर हफ्ते के हफ्ते दो सफाई करते ही हैं। तो काफ़ी थक भी चुका हूँ। और यहाँ पर ये भुट्टे बच गए, ये कॉलोनी वालों का हिस्सा है, अभी कॉलोनी में भी डालता हुआ जाऊँगा। यहाँ से जैसे ही बाहर निकलूँगा तो कॉलोनी में डाल दूँगा। बाकी ये थोड़ा धूप लगाने के लिए मैंने यहाँ पर चावल रख दिए थे, चावल है और चीकू है ये मुर्गी को रख देता हूँ यहाँ पे, ये खाए लेगी। आ जा भाई, माशाल्लाह से भाई देखें ये इधर चीकू इसने सबसे पहले उठाया खाने के लिए, ये दे। तो जैसे भी अभी ये खाती रहेगी इधर अपना, फिर ये खा लेगी। इसके बाद दूसरी मुर्गी को भी छोड़ दूंगा, वो भी खा लेगी। उसके बाद जो अंदर छोड़ी हुई मुर्गी बाहर उसको भी डाल दूंगा। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं भाई, मेन्यूज़ पे आने का अपना ही एक मज़ा है। दिल जो है खुश खुश हो जाता है और माइंड बिल्कुल जो है फ्रेश हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी चलता हूँ नीचे, और नीचे चल के अपना व्लॉग जो है कंटिन्यू करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर मस्त करें। तो अभी चलता हूँ भाई नीचे। 3 hours later जी। तो भाई व्यूअर्स, आया हूँ अभी अपने मेन्यूज़ पे असर की नमाज के बाद। तो काफ़ी थक चुका हूँ भाई, अभी आके मैं इधर ही बैठा हूँ, तो बैठ कर ही व्लॉग बनाऊँगा क्योंकि अब काफ़ी थक गया हूँ। और मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया कराची का, अचानक ही हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। तो देखें क्या मौसम बनता है, क्या हिसाब रहता है। तो ठंड में भी काफ़ी हद तक जो इजाफा हो गया अचानक से ही। दोपहर में घबराहट हो रही थी, गर्मी गर्मी सी लग रही थी मेरे को, उधर से जल्दी लड़ने के लिए। अरे लोग नहीं सुधरेंगे भाई, ये देखो अभी स्टार्ट हो गई। देखो अभी इसको निकाले, इधर छोड़ा है ताकि ये घूम फिर ले, अपना दाना वगैरह इधर खा ले थोड़ा। तो ये जो है आ गई है लड़ने के लिए उससे पहले। तो इनका भी चीकू और चावल डाले तो वो खाएं इन तीनों मुर्गियों ने, एक अंदर छोड़ी हुई है। माशाल्लाह से भाई सबका पेट वेट भर गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सारे तोते मोते हर एक चीज़ ज़बरदस्त। ये बजरी के बच्चे को चेक करूं यार, ये कुछ खा रहा है नहीं। मेरे को थोड़ा सा ना सुस्त लग रहा है, हल्का हल्का सा। नहीं खाया है इसने, खाया है खाया है। बाकी माशाल्लाह से भाई देखें, यहाँ भी सारे परिंदे हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, सही ज़बरदस्त हैं। यार बच्चा चेक करूं, काफ़ी दिन से देखा नहीं है मैंने, क्या प्रोग्रेस आई है इसकी भी। ग्रीन फिशर बच्चा निकला है भाई, मेरे को तो ये लगा है। ये देखो माशाल्लाह से ब्लैक आईज है, तो ये ग्रीन फिशर ही होगा। ये देख सकते हैं आप लोग भी माशाल्लाह से, ठीक है। ये इनके पेरेंट्स हैं, भुट्टा वगैरह डाला हुआ मैंने इनको सबको माशाल्लाह से, देख सकते हैं आप लोग। भुट्टा वगैरह डाल देता हूँ इनको, कैल्शियम के लिए बेस्ट है यार। तो बस यही सी इन्हें। तो अभी चलता हूँ भाई नीचे, इस मुर्गी को भी बंद कर दूँ। ये उपनयना का प्यार बैठा हुआ, ये भी अंडों पे आई हुई है मादी, इसकी नर जो है मस्ती कर रहा था थोड़ा। ये इसका बच्चा है इधर, ये तो सही है। तो काफ़ी थक गया हूँ यार आज काम करके ना, ऊपर सफाई वगैरह की है, चार पाँच घंटे जो लग गए मेरे को ऊपर ही। तो अभी काफ़ी थक गया हूँ, तो अभी चलता हूँ नीचे, थोड़ी देर ऐसे ही बैठ जाऊंगा ऊपर, सांस लूंगा, आराम करूंगा थोड़ा, फिर नीचे चले जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। A few moments later जी। तो भाई फाइनली अभी अभी ईशा की नमाज़ पढ़ के आया हूं और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूंगा। देख सकते हैं आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है कराची में, तो गलियों में कोई भी नहीं है फ़िलहाल, गैस भी नहीं आ रहा है। होटल से रोटी जाकर ले आया था, तो यार टाइम से खाएंगे और टाइम से खा के जो फारिग हुए। तो आज जो है काफ़ी ठंड हो रही है और बादल भी हुए में दिख रहे होंगे आप लोगों को चारों तरफ, और बादल भी हुए में बारिश का भी बोला हुआ, और हवा भी अभी चलने लग गई है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखें भाई काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है, तो काफ़ी ठंड हुई हुई है इस टाइम। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर मस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.